नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। तीन महीने से शिक्षकों का वेतन नहीं मिला हुआ है। मैं पहले शिक्षक हूँ और बाद में विधायक हूँ। शिक्षकों ने विधायक मुझे बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है, इसलिए मेरा धर्म है उनको वेतन दिलवाऊं। हमारी सरकार की तरफ से ग्रांट यहां पर दिया जा चुका है, सरकार पैसे की व्यवस्था कर चुकी है। उसके बाद यहां के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से तीन महीने से वेतन भुगतान रोक दिए हैं। ये बहुत ही नितांत गलत है और भुगतान तत्काल होना चाहिए। इसके लिए मैं कल जिलाधिकारी से बात भी किया तो लेखा अधिकारी साहब आ गए हैं, लेकिन डीआईएस का सिग्नेचर अभी डीआईएस नहीं आया है। एक भ्रष्ट डीआईएस था, उसका ट्रांसफर मैं करवा दिया हूँ। डीआईएस नहीं आया है तो टेम्पोररी व्यवस्था करके तत्काल हमारे शिक्षकों का भुगतान होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज आया हूँ और उनके समर्थन में हूँ। ये साधकों की पार्टी है। पहली तो खुशी हम इस बात की है कि कर्नाटक की जनता ने भी हमारे मोदी और योगी के चरित्र को स्वीकार कर चुकी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत भले उनको सरकार बनाने की पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, लेकिन बहुमत मिली है। वहाँ की जनता ने 104 सीट जिता करके प्रमाणित कर दिया है कि कर्नाटक की धरती पर भी कमल और मोदी के चरित्र का सलाम जनता ने किया है। अब रही बात कि प्रजातांत्रिक अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती है कि भाई 50% से अधिक सीट होना चाहिए, तो उस दृष्टि में भी आज के तिथि में जब व्यक्ति हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, तो अब हम अभी जनता से वोट मांगे थे, अब जो है हम पवित्र मन से अपने आत्मा की गुहार पर और परमात्मा के नाम पर विधायकों से वोट मांगेंगे। और विधायक हमको मोदी और योगी के चरित्र को सलाम करते हुए हमको बहुमत देंगे और समर्थन करेंगे और हमारी सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाएगा। विधायक 4 सीट पर सिमट गई भाजपा, तो हमारे 7 विधायकों को तोड़ने के लिए अमित शाह खुद ही 3, एक प्रधान और 2 लोग और 3 लोग वहाँ पे एक बैठक किए, गुप्त बैठक, और 7 विधायक टूट गए। ये कहा कि टूट गए कि जिस जेडीएस के को लेकर के हम लोग विरोध कर रहे थे उसी को आपने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया कांग्रेस। ऐसा है माननीय पत्रकार महोदय, राहुल गांधी और कांग्रेस यदि पार्टी की बात करता है तो हमारे समझ से राजनीतिक शून्यता की स्थिति हो जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस का वो अध्यक्ष बना है कि जिस कांग्रेस विशालतम पार्टी का की अर्थी निकाल करके अपने कंधे पर चढ़ाएगा और घाट तक पहुंचा करके उसको मुखाग्नि दे देगा और भारत की धरती से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। वही बाकी है, अब अर्थी चले करके चल दिया है, अब तो पूरे देश से समाप्त हो गई, कर्नाटक में भी समाप्त हो गई। अब अर्थी ढो रहा है, अब अर्थी को जो है बंगाल और दो प्रदेशों में और हार जाएगी और घाट तक पहुंचा देगा, और कांग्रेस पार्टी को अर्थी ले जाकर पहुंचाएगा और कांग्रेस के कांग्रेसी मुर्दा को जो है अब मुखाग्नि देगा और उसका दाह संस्कार करके अपना इटली रवाना हो जाएगा। काम उस दिन से कांग्रेस का समाप्त। विधायक जी, डाक प्रयास के बाद, तमाम कवायदों के बाद बिहार बंगाल में हिंसा रुक नहीं रही है। अभी पंचायत चुनाव में 6 लोगों की हत्या हो गई वहाँ पे, और देखा गया कि जो वहाँ की सरकार है ममता बनर्जी कुछ नहीं की, आरोपियों को पकड़ने तक कोशिश नहीं की, मुकदमा भी नहीं लिखा गया। क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्य तो इस बात का है पत्रकार महोदय कि आपको धन्यवाद मैं दूंगा, कम से कम वहाँ के मीडिया के लोगों ने
उसके कुकर्म को और कुकृत को दिखाया है हर जगह। अब आज तत्काल उस पर जो है गवर्नर शासन लागू करना चाहिए। मैं अपने शीर्ष नेताओं से प्रार्थना करता हूँ कि बंगाल की धरती पर इंसान और इंसानियत जहाँ सुरक्षित न हो, जहाँ इंसान सुरक्षित न हो, इंसानियत सुरक्षित न हो, प्रजातंत्र सुरक्षित न हो, मतदान सुरक्षित न हो, दान सुरक्षित न हो, वहाँ पर प्रजातंत्र मर चुका है। प्रजातंत्र जहाँ मर चुका होता है वहाँ पर राष्ट्र शासन लगना चाहिए। और मैं तो कहता ही हूँ कि शुद्ध रूप से वो ताड़ुका है, उसमें कहा था ना सुपनाखा, कहा था ना सुपनाखा नहीं, अब ताड़ुका के रूल में हो गई। अब ताड़ुका बद जो है, कौन ताड़ुका हो गया? ताड़ुका वही राम 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 युद्ध वाला राम अपनी कौन है? ममता, ममता ताड़ुका का रूप ले चुकी है। पूरा नाम बताइए, कौन ममता? ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब प्रजातांत्रिक ताड़ुका का रूप ले चुकी है। अब हनुमान जोगी पैदा हो चुके हैं, हनुमान जो है ताड़ुका बद करेंगे और बंगाल में भी जो है भगवान लहरेगा। भाई राम लक्ष्मण हनुमान भारत में पैदा हो चुके हैं, फिर कलयुग में अब बाण चला करके, अब बम चला करके नहीं होता है, ईवीएम चला करके नहीं होता है। प्रजातांत्रिक युद्ध जो है ईवीएम का बटन दबा करके होता है। तो ईवीएम दबवाने के लिए राम लक्ष्मण और हमारे हनुमान की जोड़ी बंगाल में भी जाएगी और वहां भी भगवान लहरेगा। बंगाल के हिंदू की बात करते हैं, जहां भी कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, मऊ में सुरक्षित नहीं है, सिवान में सुरक्षित नहीं है, जहां भी एंटी नेशनल भारतीय मानसिकता के विरोधी लोग ज्यादा है वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहां पर तो जहां भी भाजपा की सरकार है वहां हिंदू सुरक्षित है। इसका मतलब हिंदू को अपने को सुरक्षित रखना है पत्रकार जी, तो एकमात्र काम और नाम पर नहीं, अपने जान और सम्मान की रक्षा करने के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए, मोदी को वोट देना चाहिए, जोगी को वोट देना चाहिए। राजनीति में बोलना बोलना और भ्रष्टाचारियों का पोल खोलना सबसे बड़ा काम है, इसलिए पोल खोलना तका हूँ मैं, बोलता हूँ और पोल खोलता हूँ। ऐसे लोगों का किसकी पोल खोलते सब, जिसका भी जो कोई एक नाम बताए, जिसका तो ये उसका खोल दूंगा। अखिलेश जी, जो आदमी माने सत्ता पाने के लिए अपने बाप को भी लात मार सकता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर सकता है? बहन जी जो है काशीराम जी को जो है पैसे के लिए उसके सगे भाई को, काशीराम जी के सगे भाई को काशीराम से नहीं मिलने दिया, मानवता तार तार कर दी, उसके बाद भी उसको आप जो है अच्छा करते हैं, और उसके सगे भाई को उसके माता जी को नहीं मिलने दिया और उसको भी कहते हैं कि सेवा करने वाली है। ये लोग पैसे के लिए लोग हैं, पैसे के लिए किसी के जीवन को, किसी के जवानी को, किसी के परिस्थिति को का दोहन करते हैं, यही इन लोगों के राजनीति का मिशन। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।